अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये किस किस बड़े बड़े बीमारी में काम करती है क्या आप जानते हैं? आज का ये वीडियो अश्वगंधा के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूं। अश्वगंधा की लकड़ी दवा आपको मेडिकल की दुकानों में आसानी से मिल जाती है, जो कई इलाजों और बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है। सदियों से अश्वगंधा के जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, जी हाँ, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत असरकारी औषधि है ये। अश्वगंधा इस्तेमाल के लिए रिसर्च में ये बताया गया है कि कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है, कैंसर के एक सेल्स भी बढ़ने नहीं देता है। ये शरीर में रिलैक्स देता है, जो कैंसर के सेल्स को खत्म करने और शरीर को रीएक्टिवेट करता है। दूसरा है, अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडाइज आपके इम्यूनिटी सिस्टम्स को मजबूत बनाने का काम करता है, जो आपको सर्दी जुखाम जैसी बीमारियों को से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और तो और, अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है, जो कई बीमारी शरीर से पनपने से पहले खत्म करता है। ये तो दो कारण। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को सफेद पानी, जी हाँ, महिलाओं को सफेद पानी की वजह से उनके शरीर में कमजोरी होने लगती है, जिसका असर उनके गर्भशालय में भी पड़ता है। लेकिन अश्वगंधा का सेवन से महिलाओं को इस रोग से निजात मिलती है। अगर अश्वगंधा का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। रोज दूध में करीबन छोटा सा स्पून अश्वगंधा डाल के अगर आप पीते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी एकदम बरकरार रहती है 90 की एज तक। ये थे हमारे अश्वगंधा के फायदे। अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है, अश्वगंधा को कब ना इस्तेमाल करें, जो साइड इफेक्ट देता है। जी हाँ, अक्सर ध्यान रखना, जो चीज फायदा देती है नुकसान भी कर सकती है, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना, जिस जिस बीमारी में बताया है उसी में करना। धन्यवाद।